कल अपन ने ये देख लिया था कि 1 1 on 2 कैसे प्रूव करते हैं, अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखो। लिखो और जो मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, बिल्कुल सेम, इसलिए ध्यान से देखना कि किस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा है। फंक्शन बेटा 5 मार्क, लिखो। लेट ए इक्वल टू आर माइनस टू एंड बी इक्वल टू, कल की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, आर माइनस वन एंड बी इक्वल टू आर माइनस वन। ए एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए मैपिंग डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। हमें ये प्रूव करना है एफ इज बाइसेक्टिव, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ क्या है, बाइसेक्टिव है। और मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकलेगा जो बाइसेक्टिव होगा, तो हमें इसका इनवर्स भी निकालना है। तो मतलब अब देखो एफ बाइजेक्टिव कब होगा, एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज 1 1 एंड 2। ए इट इज 1 1 एंड 2, यदि वो फंक्शन 1 1 भी है और 2 2 भी है तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। चेक फोर 1 1, चेक फोर 1 1, टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट, टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 एंड डोमेन r-2। आपने दो आर्बिटरी एलिमेंट लिए x1 और x2, किसमें, डोमेन r-2। पुट fx1 = fx2, तो ये आ गया x1 -1 upon x1 -2, x2 -1 upon x2 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 -x2 -2x1+2 इक्वल टू x1 x2 -2x2 -x1+2। तो हम देख रहे हैं x1 x2 से x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से हमारा x1 = क्या आ गया, x2 आ गया, यहां से हमारा आ गया x1 और x2 आपस में इक्वल है, सो देयरफॉर f इज 1 1। तो ये तो हमारा चेक हो गया कि f 1 1 है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, एफ इज ए 1 1 फंक्शन। ये 1 1 चेक करने का तरीका है, इस तरह से आप 1 1 फंक्शन चेक करेंगे।
नाउ चेक फोर ऑन टू, चेक फोर ऑन टू, ऑन टू के लिए आप एक ही आर्बिटरी एलिमेंट लोगे, टेक एन आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट वाई इन कोडोमेन, इन कोडोमेन आर माइनस वन, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन माइनस टू वाई, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई वन माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो हमने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाली, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाली। अब हम क्या बोलेंगे, क्लियरली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन, क्लियरली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, सो देयर फॉर एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन। भाई हर वाई के लिए आपको एक्स मिल रहा है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, सो एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, हमें हर वाई के लिए एक्स मिल रहा है ये, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन। ये वन वन और ऑन टू, अब एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, तो इट इज ए एफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, सो देयरफॉर एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने में आप कुछ दिक्कत नहीं है, देखो इधर इनवर्स ऑफ एफ, भाई आपने एक्स की वैल्यू निकाली ना, इधर देखो ये एक्स की वैल्यू आ गई ना, इसको आप यहां पर लिख लोगे, अब आप एक्स को लिख सकते हो एफ इनवर्स वाई, क्या लिख सकते हो एक्स को, तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल आ गया वन माइनस टू वाई अपॉन, तो हर वाई की जगह आप एक्स लिख दो, तो दिस इज एफ इनवर्स एक्स, ये आपका एफ इनवर्स एक्स है, इतना सा काम करना है आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना। भाई माइनस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो वो भी हो सकता है, या यहीं छोड़ दो, एक ही बात है, लिख लो इसको। खुली कॉपी कर लो बेटा,
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो डेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ऑड एन बाय टू इफ एन इज इवन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। हमें ये चेक करना है कि ये मैनी वन ऑन टू है। दिस इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। बेटा ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वन वन ये देखना था। ये मैनी वन है। यदि मैं एफ वन की वैल्यू निकालू एफ वन वन क्या है? ओड है, इवन है। ओड तो इसमें रखो वन, क्या रहा है वन। एफ टू की वैल्यू निकालू टू ओड है इवन है, यहां लिखो। तो इसका मतलब एफ वन इक्वल टू क्या आ रहा है? बट वन इज नॉट इक्वल टू, सो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन, इट इज मैनी वन फंक्शन। इट इज मैनी वन फंक्शन। इसलिए एफ वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। एफ वन वन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। लिख लो। तो ये तो मैनी वन प्रूव हो गया। बेटा एक चीज में मना हो गया ना, तो बस तो वन वन नहीं, मैनी वन। देखो क्या होता है, हाँ करने के लिए आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन आपको ना करना है ना कोई भी एक एग्जाम्पल ढूंढ के लिए, तो वन वन नहीं है तो मैनी वन बस। नाउ ऑन टू। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। इन दोनों पे ही, ये दोनों ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये और अगली वाली जो मैं करवाऊंगा इसके बाद। लेट एन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट इन को डोमेन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। इफ एन इज ओड, यदि एन ओड है, देन इस केस के लिए टू एन माइनस वन विल बी ऑल्सो एन ओड नंबर। तो टू एन माइनस वन क्या होगा? ओड नंबर होगा। अब मैं निकाल रहा हूं एफ टू एन माइनस वन, तो टू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो हमारा एफ टू एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई? एन आ गई। इफ एन इज इवन देन टू एन विल बी ऑल्सो एन इवन नंबर, ऑल्सो एन इवन नंबर। एफ टू एन, तो
ये वापस से एन आ गया देखो, ये मेथड है इसको यूज करने की। इफ एन इज ऑड नंबर देन 2n-1 विल बी ऑल्सो एन ऑड नंबर, इफ एन इज इवन नंबर देन 2n विल बी ऑल्सो एन इवन नंबर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, कुछ और नंबर रखने पर, कुछ और नंबर रखने पर सारे के सारे और नंबर आ गए, और कुछ इवन नंबर रखने पर सारे के सारे क्या आ गए, इवन नंबर आ गए। तो आप क्या बोलोगे, क्लियरली फॉर एवरी एन, ये वाली लाइन लिख दोगे, क्लियरली फॉर एवरी एन आइदर इवन और ऑड, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन नेचुरल नंबर एन, इन नेचुरल नंबर एन, सो देयरफॉर एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू चेक करने का तरीका। देयरफॉर एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, लिख लो उसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड जो अगला वाला प्रॉब्लम करा रहा हूं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन, इफ एन इज ऑड एन माइनस वन, इफ एन इज इवन। Prove that F is a bisection. Prove that F is a bisection. हमें ये प्रूव करना है कि F एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ए एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, प्रूव
n1 n1 एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यदि एफ क्या है 1 1 और 1 2, चेक 4 1 1, लेट n1 एंड n2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स, टू आर्बिटरी एलिमेंट्स इन डोमेन n, लेट n1 एंड n2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स इन डोमेन n। केस फर्स्ट, ए n1 एंड n2 बोथ आर इवन, n1 और n2 दोनों इवन है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू। बेटा इवन के लिए क्या दे रखा है, तो n1 - 1 इक्वल टू n2 - 1, तो यहां से आपका n1 और n2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, n1 और n2 इक्वल आ गए। केस सेकेंड, इफ n1 एंड 2 बोथ आर ओड, बोथ आर ओड, दोनों ओड है, फिर अगेन fn1 इक्वल टू fn2, तो n1 + 1 इक्वल टू n2 + 1, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया, तो ये भी 1 1 हो गया। केस थर्ड, इफ n1 इज ओड एंड n2 इज इवन, तो n1 इज नॉट इक्वल टू n2। भाई n1 ओड है और n2 इवन है, तो n1 और n2 इक्वल नहीं है, तो बेटा जब n1 और n2 इक्वल नहीं है तो fn1 और fn2 भी क्या नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, तो ये भी आपकी 1 1 की प्रॉपर्टी है। मतलब यदि आपका n1 और n2 इक्वल नहीं है तो fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपकी 1 1 की कंडीशन है। केस फोर, इफ n1 इज ओ इवन एंड n2 इज ओड, तो यहां पर n1 इज नॉट इक्वल टू n2, फिर वापस fn1 इज नॉट इक्वल टू fn2। तो देखो बेटा चारों कंडीशन में आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 1 1 है, सो देयरफॉर f इज एन 1 1 फंक्शन। f क्या है, 1 1 फंक्शन, एफ है आपका एक 1 1 फंक्शन, ठीक है, लिख लो, बस अब आपको ऑन टू प्रूव करना है। नाउ चेक फॉर ऑन टू, लेट एन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, लेट एन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट इन को डोमेन एन, इफ एन इज ओड। बेटा यदि एन ओड है, जैसे एन पहला ओड नंबर क्या था, 1, तो 1 में क्या एड 1 करें कि सब्ट्रैक्ट 1 करें कि इवन नंबर आ जाए, एड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, देन n+1 विल बी एन इवन नंबर, तो एफ n+1 इवन आ रहा भाई, तो n+1 इवन में रख दो, तो कुछ और नंबर, कुछ इवन नंबर रखने पर सारे के सारे क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए, क्योंकि n ऑड माना आपने। इफ n इज इवन देन n-1 विल बी एन ओड नंबर, विल बी एन ओड नंबर,
एन माइनस वन, तो ये आपका क्या आ गया, एन आ गया। तो इसका मतलब दोनों में आपके सारे नेचुरल नंबर आ गए क्लियरली। फिर वही लाइन जो लास्ट में लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्लियरली फॉर एवरी एन, क्लियरली फॉर एवरी एन आइदर इवन और देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन नेचुरल नंबर एन। सो देयरफॉर एफ एन इज एन ऑन टू फंक्शन। नाउ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए एफ कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये काम करना, एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ये इसका मेथड लिख लो उसको। आगे ना बोलूँ, कंजोंस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा तू गजनफर को बोल देना, नहीं तो मैं बोल देता हूँ गजनफर को, बोल दे। मैं मेरे को नंबर दे दे उसका, मेरे पास नंबर मिस हो गया उसका, उनको बोल रखा है तो बस ठीक हो जाएगा फिर, तो क्या दिक्कत है।
कौन है केमिस्ट्री का? नहीं चलो लिखो भाई अगला। लिखो प्रूव डेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर वन वन, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वेयर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स। लिखो हमें ही प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, ना तो वो वन वन होता है ना वन टू होता है। अब देखो कैसे करेंगे, वन वन भाई, यदि मैं एफ 1.4 निकालो तो क्या आएगी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 क्या होगा भाई, ऑनलाइन बोलो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो ऑनलाइन, वन। वन। और मैं एफ 1.7 निकालू तो वन, इसका मतलब एफ 1.4 और 1.7 इक्वल आ रहा है, बट 1.4 इज नॉट इक्वल टू, पॉइंट सेवन सो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन, इसलिए एफ क्या है वन वन नहीं, बस इतना सा लिखूंगा एफ इज नॉट वन। कोई भी एक एग्जांपल दे दो और काम कर लो बस। अब ऑन टू के लिए क्या करोगे, को डोमेन ऑफ एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आर, इसकी कोडोमेन क्या है आर, और व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज होता है बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसकी रेंज क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो आपका कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो देयरफॉर एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, बस ये प्रूव करना था बस भाई। आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी डोमेन होती है आपकी, कोडोमेन होती है आपका पूरा आर, और जो रेंज होती है वो आपकी होती है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और दोनों सेम नहीं है इसलिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, और वन वन नहीं है वो भी हमने लिख दिया। तो ऐसी जनरल प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, एको करवा रहा हूँ इसी टाइप की, जिसमें आपको बहुत जनरल प्रॉब्लम पूछ ले 2 मार्क्स में पूछ लेगा वो। एक और देखो इसी टाइप का प्रॉब्लम, सो डेट द मॉडुलस फंक्शन
मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नाइदर वन वन नाइदर वन वन नॉर ऑन टू ऑन आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ना तो ये वन वन है ना ऑन टू है, ऑन आर ये प्रूव करना है। मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू ऑन आर, एपेक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एपेक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अब देखो वन वन बेटा एफ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन का मॉडुलस वन, और एफ वन की वन वैल्यू क्या आएगी वन वन, सो देयरफॉर एफ माइनस वन इक्वल टू एफ वन, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, सो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। Therefore, f is not one one. F is not one one. Now check for onto. F is a function from R to R. आपका जो function है वो R to R है, तो इसका जो domain है co-domain है वो R के equal है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन का रेंज होता है बेटा 0 से इनफाइनाइट। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का रेंज क्या होता है 0 से इनफाइनाइट, क्यों होता है, इसका कर्व कुछ इस तरह का होता है, यह मॉडुलस एक्स का कर्व होता है। यह है आपका मॉडुलस एक्स, इसका रेंज क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है क्या, सो देयरफॉर एफएक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नॉट एन वन वन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन लिख लीजिए, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक, तो ये जनरल है वैसे लिख लीजिए, और फिर इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लो। बेटा आपको मैंने ग्रुप पे एक चीज भेजी है, मतलब जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ज्वाइन कर देना, और अपने दोस्तों को भी बोल देना।